जय किसान की जगह पर जय विज्ञान, एक लाइन और जोड़ दी कि जय विज्ञान, जय विज्ञान। अब देखिए हमारे गुरुवर जी ने इन तीनों बातों को आध्यात्म के माध्यम से कैसे सार्थक किया है कि जय जवान भी थे तब, किसान भी थे तब, और विज्ञान भी तब था। जो आज विज्ञान है, जिसको हम लोग आज कलयुग में विज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं, ये विज्ञान तब भी था जब सतयुग त्रेता द्वापर था, और आज भी है। उसी बात को मैंने पकड़ा है, सुनिएगा बहुत प्यारी धर्म जी। कहा फिल्म वालों ने क्या के तौबा ये मत वाली चाल, लेकिन ऋषि मुनियों ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई।
अगर प्रभु राम की आज्ञा हो जाती, अगर प्रभु राम की आज्ञा हो जाती तो एक ही वार में रावण का अंत हो चुका होता, एक ही मुष्टिका के प्रहार से रावण का अंत हो चुका होता, लेकिन प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं थी, इसलिए ईश्वर उनको उनकी ताकत उनका बल याद दिला रहे। कैसे? के ऋषियों का शाप तेरी बिशरी कहानी, के भूला है तूने अपनी शक्ति न जानी, बता दो के तेरा है ध्यान बली हनुमान, के सारी सेना पर भारी वो एक बली हनुमान, जहां में कैसा जवान प्रजा वो सारी है हैरान, जनक राज बने एक
सेट किया गया है। इस विज्ञान से गाड़ियां चलती हैं, इस विज्ञान से बड़े बड़े कार हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं, लेकिन जिस विज्ञान से जहाज उड़ाए जाते हैं, जिस विज्ञान से ट्रेनें दौड़ाई जाती है, ये विज्ञान कब भी था, ये विज्ञान कब भी था, जिस विज्ञान से आजकल डॉक्टर कटे हुए हाथ को जोड़ देते हैं, जिस विज्ञान से डॉक्टर असली आंख की जगह नकली आंख सेट कर देता है या आंखों का प्रत्यारोपण कर देता है, ये विज्ञान कब भी था और कैसे था ये मैं सार्थक कर रही हूँ। कहना है कि बना हड्डियों का बच कला क्या निराली। आज के कलयुग में तो भगत मशीनें कट्टा बंदूकें चल रही, लेकिन लेकिन ददीश की ऐसी हड्डियां थी जिनकी हड्डियों के दांत से ऐसा बलशाली वज्र तैयार हो गया कि उसको उसका कोई काट नहीं निकाल पाया। इसलिए बना हड्डियों का वज्र कला क्या निराली। ताजा कटी खून टपकती भुजा भी बनाली। कभी रावण को देखा है तो सीता मैया कहने लगी कि ना के कहीं मैया मैंने कभी रावण को नहीं देखा। कहने लगी अच्छा तुमने रावण को नहीं देखा, बोली ना माँ मैंने रावण जब भी आया मैंने उसको कभी नहीं देखा, हमेशा उसके पैरों की तरफ देखती थी। तब के कहीं मैया ने कहा क्या तुम उसके पैर का चित्र बना सकती हो। सीता मैया ने कहा जी मैया मैं रावण के पैरों का चित्र बना सकती हूँ। और जैसे ही सीता मैया ने रावण के पैर का अंगूठा बना पाया वैसे ही माता कैकेयी ने वो चित्र अपनी तरफ घसीट के पूरा रावण तैयार कर दिया। और जब पूरा रावण तैयार कर दिया तो देखिए कैकेयी मैया ने श्री राम से कहा कि देख राम कि तेरी सीता आज भी रावण को याद करती है। और जब इतनी आग लगाई तो देखिए राम को बड़ा कष्ट हुआ और लखन से कहा कि जाओ सीता को जंगल में छोड़ आओ और इनका वही हाथ काट लाना जिससे उन्होंने रावण का चित्र बनाया था। अब लखन लाल अपनी माँ का हाथ कैसे काट लाए, लखन लाल अपनी माँ का हाथ कैसे काट लाए क्योंकि सीता उनके लिए माँ स्वरूपा थी। तो वो रोने लगे बड़े कष्ट में हुए तभी विश्वकर्मा जी अवतरित हुए और विश्वकर्मा जी ने बिल्कुल वैसा ही हाथ खून टपकता हुआ लक्ष्मण को पकड़ा दिया और कहा कि जाओ भगवान श्री राम को कह देना कि ये मैं सीता जी का हाथ काट कर ले आया हूँ। तो देखिए ये विज्ञान तब भी था, ये विज्ञान तब भी था, तो मैंने पंक्तियाँ वहीं से पकड़ी कैसे ताजा कटी खून टपकती भुजा भी बना ली। और के चक्र पे द्वारिका तो चक्र पे द्वारिका शूल पे काशी बसाली। पे बैठे कितने लोग फिर भी रहे जगह खाली खाली के ऐसा पुष्पक विमान था कि अगर उसमें एक बैठे तो भी एक की जगह खाली, एक हजार बैठे तो भी एक की जगह खाली और एक करोड़ बैठे तो भी एक की जगह हमेशा खाली होती। ऐसा विज्ञान था उस समय। इसलिए कि बैठे कितने लोग फिर भी रहे जगह खाली ऐसा कि पुष्पक विमान ने कहा। तैयार किया और शंकर जी ने शीश काट दिया तब क्या हुआ कि कटा शीश बालक का जान मैया हो
ये विज्ञान तभी था के हाथी का सर जोड़ बालक की, हाथी का सर जोड़ के बालक की बचा ली जान जगत में, जगत में, जगत में ऐसा भी धन्यवाद है। आइए एक छोटा सा कट पीस अपनी ओर से। ये गीत दादा जेपी जी के चरणों में समर्पित था क्योंकि वो पुलिस के जवान है और हमारे भैया लोग और भी जवान यहाँ बैठे हुए, तो ये मैं घर से सोच के आया था कि दीपमाला ये दादा के चरणों में गीत समर्पित करेंगे। ये किस बताए, एक गुप्त दान आई है, नाम नहीं बताया उन्होंने, हमारे लाल वादक आदरणीय श्री चाचा चंद्रभान जी को प्रदान किया है। सहर्ष धन्यवाद है, धन्यवाद है। ये गुप्त दान वहाँ कर ले। आइए एक धुन बजी के छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम। भाई बहन तक के भाई बहन नहीं।
इतना इसको तो मूल्यों में हम तौल ही नहीं सकते दादाजी। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुमूल्य आशीर्वाद है ये जो मंच के माध्यम से हमको मिला, और वैसे तो मिलता भी नहीं, अगर ऐसे कहीं होते तो मिलता भी नहीं, लेकिन ये मंच ऐसा है, सरस्वती का मंच, इसके माध्यम से आप जैसे प्रबुद्ध जनों का ये आशीर्वाद हमको ही नहीं हमारे साथी कलाकारों को भी मिला है। बहुत ही बहुमूल्य आशीर्वाद है, इसको मैं श्रोधार्य करती हूँ और आपका आशीर्वाद समझकर जीवन भर इसको याद रखूंगी और यही कामना करूंगी कि अधिक से अधिक आप जैसे प्रबुद्ध जनों का साथ मंच पर हो तो हम जैसे लोग कुछ सीख पाए। बस यही कामना के साथ मैं जेपी दत्ता से चाहूंगी कि अब आगे की कड़ी बताएं। आ रहे दत्ता, आ रहे क्या बात है। नगर निगम कर्मचारी आदरणीय श्री जेपी व्यास जी और माननीय श्री मिशन पाल सिंह जी और जयपाल सिंह जी पटेल जी, जो एक तो अध्यक्ष हैं और एक महामंत्री हैं इस नगर निगम के, मैं उनको करबद्ध प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ। और दत्ता जी अब आदेश आपका हो, जैसा हो वैसा किया जाए कि आगे क्या होना चाहिए। बहुत ही प्यारी धुन जी, कि प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं, मंचन या मंच मुझे नहीं मिला,
जहाँ मैंने इस गीत को उचित नहीं समझा गा रहा, लेकिन सुनने के लिए आप जैसे लोग बैठे हैं और हमारे जो प्रांगण में सुनने वाले भैया दत्ता, जेपी दत्ता जैसे लोग बैठे हैं, इनको देखकर आज बहुत दिनों बाद 3 साल के बाद ये गीत मुझे याद आया। और 3 साल के बाद वास्तव में उस समय से आज मैं गा रही हूँ, इसलिए थोड़ा गाने में डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रयास है। अब इस गीत में बात आई कि दुनिया याद करे, इस गीत में बात याद आई दुनिया याद करे। तो देखिए, गुरुवर के पुत्र हमारे राहुल भैया जी ने इन्हीं पंक्तियों को पकड़ लिया, क्योंकि ये हुनर उसमें बहुत अच्छा है। जो गीत धीमी बोलता है वो उसको अपने लाइनों में वो बड़े अच्छे से उतार देते हैं, और राहुल भैया ने इस गीत को बड़े प्यार से बांधा। और देखिए, उन्होंने इस शब्द को पकड़ा कि ये दुनिया याद करे, और कैसे याद करे, सुनिएगा पहली पंक्ति, पहली बार। थोड़ा सा वाले कहा कि अश्व पे चढ़ के आप जब वन में आए थे, कि अपना लो मुझको देवी ये वचन सुनाए थे। बात हो रही है शकुंतला की बात हो रही है, जब दुष्यंत जी शिकार खेलते हुए शकुंतला जी के वाटिका में पहुंचे थे, और उस समय शकुंतला जी अकेली थी, उनका आपस में प्रेम संबंध हो गया, और प्रेम संबंध के बाद राजा दुष्यंत चले गए और शकुंतला को भूल गए। तो देखिए, बात वहीं से आई कि शकुंतला उनको कैसे याद दिला रही है कि अश्व पे चढ़ के आप जब वन में आए थे, कि अपना लो देवी मुझको ये वचन सुनाए थे, ये जीवन साथी बन हर रीत निभाई थी, निशानी रूप में अंगूठी पाई थी, ये दी तुमने ये है, क्योंकि वो शेर के दांत गिन रहा था। जब इतना उन्होंने देखकर पूछा, तब शकुंतला बताने लगी कि हे राजन, क्या तुम भूल गए क्या कि दी तुमने ये संतान, क्या तुमको याद नहीं, जा रही है कैसे याद करवाई जा रही, सुनिएगा कहना है कि दिन कर को लीला इंद्र ने वचन चलाया है, कि दिन कर को सूर्य देवता को हनुमान जी ने लाल फल समझकर निकल लिया, मुख में रख लिया, निकला नहीं मुख में रख लिया, और चारों तरफ अंधेरा हो गया, तब इंद्र देवता ने वज्र चलाया
और उनकी थुट्टी में लगा जाके हनुमान जी के, तब उन्होंने अपने मुख को खोला और सूर्य देवता अपनी जान बचाकर बाहर आए। तो बात वहीं से ही है, कहना क्या है के दिन कर को लीला इंद्र ने वज्र चलाया था, के देवों के द्वारा तुमने अतुलित फल पाया था। Wow.
करनी वैसी भरनी। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। तो ये बात गलत नहीं है, इसीलिए आज भी कहा जाता है कि मांसाहार बहुत गलत चीज है, क्योंकि इसका इसका भुगतान आपको किसी ना किसी जन्म में करना पड़ेगा। इसलिए के सौ अंडों का पकवान क्या तुमको याद नहीं, और सौ भ्रूणों की लीचान क्या तुमको याद नहीं। Thank you.
आदरणीय जेपी पटेल जी, आपके लिए चार लाइन समाप्त कर रहा हूं। अगर अच्छी लगे तो आशीर्वाद दे दे रहा हूं। घटा की आंखों से, घटा की आंख से काजल चुरा के लाया हूं आपके अनुरोध पर। घटा की आंख से काजल चुरा के लाया हूं, गगन के छोर से बादल चुरा के लाया हूं। गगन के छोर से बादल चुरा के लाया हूं, चुरा के लाया समंदर से हसरतों का नशा। चुरा के लाया समंदर से हसरतों का नशा। मैं आज इश्क की महफिल चुरा के लाया हूं। मैं आज इश्क की महफिल चुरा के लाया हूं। आदरणीय गुरुदेव जी की तरफ से कार्यक्रम का अंतिम होगा कि गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता। गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता। अरे लहरों का पानी हाथों से उठाया नहीं जाता। होने वाले खुद ही हो जाते हैं अपने। होने वाले खुद ही हो जाते हैं अपने। किसी को अपना कहकर बनाया नहीं जाता। किसी को अपना कहकर बनाया नहीं जाता। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य गुरुदेव जी कार्यक्रम का समापन करेंगे और दोनों पार्टी का जो कार्यक्रम रहा है निसंदेह सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद परम सद्गुरुदेव जी।